हेलो एवरीवन चलिए जी स्टार्ट करते हैं विद द रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर सेकंड जिसका नाम है जनरल ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स एंड ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी इस चैप्टर के अंदर आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में फाइव स्टैंडर्ड्स को कवर अप किया गया है और ये फाइव स्टैंडर्ड्स हैं 240, 250, 260, 299 एंड 402 इस सेशन में मैं आपके साथ दो स्टैंडर्ड्स की डिस्कशन करूंगा वन इज 240 एंड सेकेंड वन 250. स्टार्ट करते हैं 240 के साथ ऐसे 240 डील करता है ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इन रिलेशन टू फ्रॉड वाइल कैरिंग आउट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस स्टैंडर्ड में हम बात करेंगे फ्रॉड के करेक्टरिस्टिक्स को लेकर फ्रॉड के रिलेशन में मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज

करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रॉड फ्रॉड वेदर इट इज ड्यू टू फ्रॉड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और ड्यू टू मिस एप्रोप्रिएशन दोनों में से किसी भी कारण से हो वो तीन मेन आस्पेक्ट को इन्वॉल्व करता है नंबर वन इंसेंटिव और प्रेशर टू कमिट द फ्रॉड प्रेशर एराइजिस मैनेजमेंट इज अंडर द प्रेशर टू अचीव एन अनरियलिस्टिक टारगेट रिजल्टिंग इन टू फ्रॉड परसिव्ड अपॉर्चुनिटी टू डू सो इट अराइजेज वेन द इंडिवजुअल बिलीव दैट इंटरनल कंट्रोल कैन बी बाईपासको ओवर राइड किया जा सकता है एंड थर्ड वन रेशनलाइजेशन टू डू सो और एटीट्यूड इट अराइजेज वेन इंडिजुअल पोजेस एंड एटीट्यूड और करेक्टर दैट अलाउ हिम to do fraud knowingly and intentionally so fraud whether it is due to fraud financial reporting or due to misappropriation of asset it involves three main factors one is incentive or pressure to commit the fraud second one perceived opportunity to commit the fraud and third one rationalization to commit the फ्रॉड के ये जो दो मेन सोर्स हैं कौन कौन से एक फ्रॉड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और दूसरा होता है मिस्रोप्रिएशन ऑफ असेट। फ्रॉड तो एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी कारण से हो सकता है बट एज अ ऑडिटर वी आर प्राइमरिली कंसर्न विद दो दैट मे कॉज मेटीरियल मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सच फ्रॉड्स टे ऑफ असट्स सो वेरियस आस्पेक्ट जो फ्रॉड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इन्वॉल्व है और कुछ एग्जाम्पल्स मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ असैट्स के हमें कवरअप करने हैं examples of fraud financial reporting like recording fictitious journal entries so as to manipulate the operating result inappropriate assumptions the assumptions used by the management they are not appropriate changing judgments to the estimate account balances

उंटिंग एस्टिमेट बैलेंसेज में बी चेंज थर्ड फोर्थ वन ऑमिटिंग एडवांसिंग और डिले रेकोगेशन ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांसेक्शन अक्र ड्यूरिंग द इ जो ट्रांसैक्शन हो रही है उनको आपने ऑमिट कर दिया ट्रांसेक्शन के अक्कर होने से पहले ही एडवांस में रेकोगनाइज कर दिया ट्रांसेक्शन अक्कर हो चुकी है उसका ओमिशन नहीं किया रादर उसका रिकॉग्निशन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में करा डिले कर दिया ओमिटिंग एडवांसिंग और डिलेइंग द रिकॉग्निशन ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांसेक्शन अक्कर ड्यूरिंग द ईयर कंसीलिंग द फैक्ट्स, फैक्ट्स को छुपाया गया That affect the amount recorded in the financial statements. Engaging in complex transactions ट आर स्ट्रक्चर्ड इन मैनर सो एज टू मिस रिप्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजिशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑल्ट्रेशन इन द रिकॉर्ड रिलेटिंग टू द सिग्निफिकेंट ट्रांसेक्शन सो दीज आर दू एग्जाम्पल्स जिसके थ्रू हम कह सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर फ्रॉड किया गया है ट्रांसेक्शन्स को चेंज करके ट्रांसक्शन की रिकॉर्डिंग को ओमिट करके एडवांस रिकॉगनीशन करके डिले रेकोगेशन करके जर्नल एंट्री के थ्रू इन अप्रोप्रिएट एजम्पन के थ्रू एस्टिमेट्स की जजमेंट को चेंज करके इंपॉर्टेंट फैक्ट को कंसील करके कंप्लेक्स ट्रांसेक्शन में एंगेज करके जहां पर आपका ऑब्जेक्टिव है मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो यहां पर टारगेट क्या है बुक्स ऑफ अकाउंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रिजल्ट को फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस को फाइनेंशियल पोजिशन को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना तो एक तो मिस स्टेटमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट में हो सकती है ड्यू टू फ्रॉड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग दूसरा दूसरा पॉइंट आ जाता है दिसअप्रोप्रिएशन ऑफ असैट का मिस्रोप्रिएशन ऑफ असैट उसके कुछ एग्जाम्पल लाइक कैश रिसीट की एम्बेजलमेंट स्टीलिंग चोरी द एंटिटी टू पे फॉर गुड्स एंड एक्चुअली नॉट रिसीव एंड यूजिंग द एंटिटी अट फॉर पर्सनल यूज तो आप जरा एक बार जो ये दो टॉपिक मैंने आपको कराए हैं ऑफ़ फ्रॉड और दूसरा पॉसिबल सोर्सिस दूसरे के साथ कंसीडर करके चलिए पहले बात आ जाती है कि फ्रॉड है क्या एक इंटेंशनल एक्ट जिसके कारण एक पर्सन दूसरे को नुकसान पहुंचाता है अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए

तो आपने क्या किया गलत एजम्शन अज़ंशन, इनअप्रोप्रिएट एजम्पन यूज की अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की जजमेंट को चेंज किया कॉम्प्लेक्स ट्रांसेक्शन में अपने आप को एंगेज किया एंड ट्रांसैक्शन आर स्ट्रक्चर्ड इन मैनर सो एज टू मिस रिप्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजिशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो जो ये दो मेन आस्पेक्ट है फ्रॉड के एक फ्रॉड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और दूसरा मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ अ इनके आगे तीन सब डिविजन हो सकती है कि जब एक पर्सन फ्रॉड कर रहा है वो क्यों कर रहा है उसके तीन मेन कारण हो सकते हैं जो हमने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रॉड के अंदर पड़े थे नंबर उसके ऊपर प्रेशर है अपॉर्चुनिटी एक पर्सन के पास अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है वो मानकर चल रहा है कि मैं इंटरनल कंट्रोल को ओवरराइड कर सकता हूं वो मानकर चल रहा है कि मेरे पास मौका है कि मैं बुक्स ऑफ अकाउंट में ऑल्ट्रेशन करवा सकता हूं तो अपॉर्चुनिटीज किस तरीके से फ्रॉड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या यान ऑफ असेट्स को करवाएगी नंबर तीन रेशनलाइजेशन दैट इज एटीट्यूड ऑफ एन इंडिविजुअल दैट अलाउ कमिट द फ्रॉड नोइंगली एंड इंटेंशनली जानबूझकर फ्रॉड को करना पर्सन का अपना एक एटीट्यूड जिसके कारण वो फ्रॉड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी कर सकता है और असेट की मिस अप्रोप्रिएशन भी कर सकता है नो इन्हीं दोनों पॉइंट को आपस में लिंक करते हुए हमारे पास एक टॉपिक आता है एंड दैट टॉपिक इज फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स वो इवेंट्स कंडीशन सर्कमस्टांसिस दैट इंडिकेट एग्जिस्टेंस ऑफ अ फ्रॉड तो उसके बड़े सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास तो आप देखेंगे नेक्स्ट पेज पर एक टॉपिक दिया हुआ है मैंने फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स का फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स क्या है वो इवेंट्स और कंडीशंस दैट इंडिकेट एन इंसेंटिव और प्रेशर टू कमिट द फ्रॉड्स or provide an opportunity to an individual to commit the fraud example a need to meet the expectation of third party so as to obtain additional equity financing it may create a pressure on the management to commit the fraud in the books of accounts granting of significant bonus if unrealistic profit targets are met it may create an incentive to commit the fraud कंट्रोल एनवायरमेंट दैट इज नॉट अफेक्टिव दैट मीनस अ पर्सन इज कंसिडरिंग दैट आई है अपॉर्चुनिटी किस चीज की अपॉर्चुनिटी टू ओवर राइट द इंटरनल कंट्रोल सो वीक इंटरनल कंट्रोल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू कमिट द फ्रॉड नाउ अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऑफ फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स रिलेटिंग टू मिस स्टेटमेंट दैट अराइज फ्रॉम फ्रॉड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मिस स्टेटमेंट अराइज फ्रॉम मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ असेट कुछ एग्जाम्पल तो मैंने आपको पॉसिबल सोर्स ऑफ मिस स्टेटमेंट के टॉपिक में कराए अब फ्रॉड रिस्क फैक्टर के अंदर फ्रॉड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रॉड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के रिलेशन में फ्रॉड रिस्क फैक्टर के एग्जाम्पल और वो भी तीनों वाइज इंसेंटिव अपॉर्चुनिटीज एटीट्यूड और रेशनलाइजेशन एक पर्सन का एटीट्यूड जिसके कारण रिपोर्टिंग करता है अपॉर्चुनिटी रिपोर्टिंग करता है एक पर्सन के ऊपर प्रेशर जिसके कारण वो फ्रॉड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करता है सो so, जैसे कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं फ्रॉड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इंसेंटिव और प्रेशर के एग्जाम्पल आपके ऊपर प्रेशर है जिस प्रेशर के दबाव में आकर मैनेजमेंट जिसके मैनेजमेंट अंडर अ प्रेशर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैनिपुलेशन कर रही है और मैनेजमेंट के ऊपर वो प्रेशर क्या है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एंटिटी इज थ्रेटेड बाई इकोनॉमी इंडस्ट्रियल फैक्टर और एंटिटी ऑपरेटिंग कंडीशन प्रेशर है हमारे ऊपर जैसे काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन जो लॉस के अंदर जा रही है उनके ऊपर प्रेशर होता है अपने लॉस को कम करना तो हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन और मार्केट सेचुरेशन ए डिक्लाइनिंग मार्जिन जैसे वोडाफोन आइडिया को कंपटीशन मिल रहा है किससे जियो एंड एयरटेल से तो आइडिया की मैनेजमेंट के ऊपर एक प्रेशर है अपने लॉसेस को कम करके प्रॉफिट्स को लाना जो बड़े मुश्किल है आज की डेट में तो हाई वर्नर टू रैपिड चेंजेस लाइक चेंजेस इन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट ऑफ सोल्यूशन इंटरेस्ट रेट significant decline in customer demand, increasing business failures, operating losses, recurring negative cash flows from the operations, rapid growth or unusual profitability, new accounting statutory or regulatory requirement. these are certain examples which may create a pressure over the management to commit the fraud financial reporting. in similar manner, वट आर द वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ द अपॉर्चुनिटीज जिसके थ्रू फ्रॉड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जा सकती है नेचर ऑफ इंडस्ट्री और एंटिटी ऑपरेशन प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज टू मैनेजमेंट टू एंगेज इन फ्रॉड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एग्जाम्पल एंट्रिंग इन टू सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांसेक्शन नॉट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस स्ट्रॉ फाइनेंशियल प्रेजेंस और एबिलिटी टू डोमिनेट अ सर्टेन इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रोवाइड यू एन अपॉर्चुनिटी असेट लाइबिलिटी रेवेन्यू एक्सपेंसिस बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स और एस्टिमेट्स के ऊपर बेस्ड है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है अपनी जजमेंट को सब्जेक्टिवली डिटर्मिन करना सिग्निफिकेंट अनयूजल और हाईली कॉम्प्लेक्स ट्रांसैक्शन नियर दर एंड सिग्निफिकेंट ऑपरेशन दैट आर लोकेटेड और कंडक्टेड अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर इन जूरिस्टिक्शन जहां के बिजनेस एनवायरमेंट कल्चर हमारे एनवायरमेंट और कल्चर से काफी हद तक डिफर करते हैं सिग्निफिकेंट बैंक अकाउंट सब्सिडरी ब्रांच ऑपरेशन इन टैक्स तो ये एक अपॉर्चुनिटी देते हैं मैनेजमेंट को टू कमिट दॉड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और तीसरा पॉइंट आ जाता है दैट इज एटीट्यूड और रेशनलाइजेशन आपका अपना माइंड जैसे कम्युनिकेशन इंप्लीमेंटेशन एनफोर्समेंट ऑफ एंटिटी वैल्यू और एथिकल स्टैंडर्ड्स दैट आर नॉट इफेक्टिव मैनेजमेंट अपनी टीम को इंटीग्रिटी एथिकल वैल्यूज कल्चर क्रिएट ही नहीं करवा पा रहे अपनी टीम के अंदर इन नॉन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सेसिव पार्टिसिपेशन कर रही है इन सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज और उनका एटीट्यूड ही है जब आपको फाइनेंशियल मैटर की नॉलेज नहीं और जबरदस्ती बीच में अपनी टांगा रहे हो गलत है नॉन हिस्ट्री ऑफ वायोलेशन ऑफ सिक्योरिटी लॉज एंड अदर लॉ एंड रेगुलेशन एक्सेसिव इंटरेस्ट बाइ मैनेजमेंट इन मेंटेनिंग इंक्रीजिंग अर्निंग स्टॉक प्राइस मैनेजमेंट फेलियर टू करेक्ट नॉन मटेरियल वीकनेसेस इन इंटरनल कंट्रोल ऑन टाइमली बेसिस ये सब मैनेजमेंट के एटीट्यूड है जिसके कारण फ्रॉड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की सिचुएशन अराइज हो सकती है लो मोरल मोराल अमंग सीनियर मैनेजमेंट डिस्प्यूट्स बिटवीन शेयर होल्डर इन अ क्लोजली हेल्ड एंटिटी रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड ऑडिटर इज स्ट्रेस्ड सो रिलेशन टू फ्रॉड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हमने एग्जाम्पल स्टडी करे अपॉर्चुनिटीज के प्रेशर के रेशनलाइजेशन के इन अलर मैनर एग्जाम्पल्स आपको मिलते हैं फ्रॉड रिस्क फैक्टर के रिलेटेड टू मिस स्टेटमेंट दैट मे अराइज फ्रॉम द मिसप्रोप्रिएशन ऑफ असैट एक पर्सन एक मैनेजरियल पर्सन या एक एम्प्लॉय असेट्स का मिस एप्रोप्रिएशन करेगा वो क्या करेगा असेट्स को अपने पर्सनल यूज में लाएगा वो चोरी करेगा स्टीलिंग द फिजिकल असेट्स। एम्बेजलमेंट करेगा किसकी रिसीट की लेकिन किसके लिए अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए नंबर एक उसके ऊपर प्रेशर है प्रेशर किस चीज का पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन में क्रिएट अ प्रेशर ऑन द मैनेजमेंट और हैविंग एक्सेस टू कैश और अदर एक्सेट एक्सेप्टेबल टू थे चोरी करना आसान है टू मिस एप्रोप्रिएट एंटिटी और एम्प्लॉयज के बीच की एडवर्स रिलेशनशिप भी मिस्रोप्रिएशन का एक कारण बन सकती है एडवर्स रिलेशनशिप क्यों अराइज हो सकती है ड्यू टू एंटीसिपेटेड फ्यूचर एम्प्लॉइज लेपेटेड टू एम्प्लॉइज कंपन बेनिफिट प्लान प्रमोशन कंपनसेशन और अदर रिवार इनकंसिस्टेंट विद द एक्सपेक्टेशन आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से प्रमोशन कंपनसेशन रिवार्ड स्टाफ वेलफेयर बेनिफिट एंटिटी अवेलेबल नहीं करवा रही देन तो अपनी पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए एक पर्सन के ऊपर मैनेजरियल पर्सन और एम्प्लॉ हैविंग एक्सेस टू कैश हैविंग एक्सेस टू टू दैट आर जिसकी चोरी करना आसान है जैसे इन्वेंट्री स्मॉल वैल्यूज की स्मॉल साइज इन्वेंट्री बट हाई वैल्यू लाइक गोल्ड उसकी चोरी करना आसान है क्यों छोटी सी आइटम है उठाकर जेब में डालनी पता भी नहीं चलेगा वो तो मैनेजमेंट के इंटरनल कंट्रोल हैं जिसके थ्रू वो इन चोरियों को रोकेंगे बट यदि इंटरनल कंट्रोल वीक है देन एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है एम्प्लॉय को ये फ्रॉड करने की अपॉर्चुनिटीज टू मिस्रोप्रिएट द असेट्स इंक्रीज इन केस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कैश इन हैंड इन्वेंट्री आइटम्स दैट आर स्मॉल इन साइज ऑफ हाई वैल्यू इजली कन्वर्टिबल लाइक बियर बोन्ड्स फिक्स विच आर स्मॉल इन साइज एंड मार्केटेबल इंटरनल कंट्रोल ओवर द अट्स वो वीक है जिसके कारण मिसएप्रोप्रिएशन के चांसेस कंपेरिटिवली इंक्रीज हो जाते हैं एग्जाम्पल सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज एडिक्युएट सीनियर मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर के एम्प्लॉइज को ओवरसाइट इन एडिकुएटी के साथ किया जा रहा है कोई सुपरविजन नहीं है कोई मैकेनिज्म नहीं है टू कंट्रोल द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द मैनेजमेंट इनएडिकुएट जो एप्लीकेशन स्क्रीनिंग ऑफ एम्प्लॉयज पर्टिकुलरली दोज एम्प्लॉइज दैट विल बी है That will be having excess of assets susceptible to theft, inadequate records with respect to assets, inadequate system of authorization and approval of transactions, inadequate physical safeguards over cash, investments, other fixed assets, inventory, lack of complete and timely reconciliations of assets, lack of timely documentation of transactions. डेटरी वैकेशन ऑफ एम्प्लॉज पर्टिकुलरलीस ऑफ रिकॉर्ड कैश इन्वेंट्रीज एटसेट्रा तो यह तो बात कर ली हमने अपॉर्चुनिटीज की फिर वही तीसरा पॉइंट आ जाता है एंड दैट इज वॉट रेशनलाइजेशन और एटीट्यूड डिस द नीड फॉर मॉनिटरिंग और रिड्यूसिंग द रिस्क मैनेजमेंट का एटीट्यूड जिसमें वो मॉनिटरिंग रिस्क की मॉनिटरिंग रिस्क की रिडक्शन रिलेटिंग टू मिस एप्रोप्रियशन की जरूरतों को डिसरिगार्ड कर रहे हैं मैनेजमेंट डिसरिगार्ड कर रही है इंटरनल कंट्रोल और कैसे डिस को ओवर कर रहे हैं जहां पर इंटरनल कंट्रोल की वीकनेसेस एग्जिस्ट करती हैं, उनकी डेफिशिएंसीज को रोकने में मैनेजमेंट फेल हो रही है मैनेजमेंट का बिहेवियर इंडिकेट डिससेटिस्फेक्शन विद द एंटिटी चेंजेस इन बिहेवियर ऑफ लाइफस्टाइल दैट इंडिकेट असेट सेट हैव बीन मिसअप्रोप्रिएटेड और छोटी-छोटी चोरियों को टॉलरेट करना एक दिन बड़ी एक दिन वो चोरी बड़ी हो सकती है सो so, हमने पहले कैरेक्टर्सटिक्स ऑफ फ्रॉड को डिस्कस किया देयर आफ्टर पॉसिबल सोर्सेस ऑफ मिसस्टेटमेंट की बात की और फिर इसके रिलेशन में हमने डिफरेंट फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स इन अ रिलेशन टू फ्रॉड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन अ रिलेशन टू मिस्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स को रिवाइज किया है चलिए अब बढ़ते हैं मेन टॉपिक पर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड किसकी होगी मैनेजमेंट एंड टीसी आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एंड फॉर दिस पर्पज मैनेजमेंट मस्ट इंश्योर अ कमिटमेंट टू क्रिएट अ कल्चर ऑफ ऑनस्टी एंड एथिकल बिहेवियर इन द एंटिटी इन रिलेशन टू ऑडिट वट आर द रिस्क एसोसिएटेड फॉर नॉन डिटेक्शन ऑफ मेटीरियल मिस स्टेटमेंट दे आर ऑलवेज रिमेन सम इनहरेंट लिमिटेशन जो आप एसे टू हंड्रेड में पढ़ते हैं and due to this inherent limitation there always remains a risk that some material misstatements may not be detected even when audit was properly planned and performed in accordance with the standard on auditing and hence there always remains an unavoidable risk of material misstatement in the financial statements due to fraud and risk of non detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than the risk of non detecting the misstatement resulting from error. And risk of material misstatement resulting from management fraud is again higher than the risk that is committed due to the employee fraud. Auditor's duties.

Circumstances indicate existence of material misstatement. Auditor is required to consider whether such misstatement is an indication of fraud. If fraud identified, auditor is required to communicate the fraud to the management and TCWG and also to regulatory and enforcement authorities if required by law. As per section 143 subsection 12 of Companies Act 2013, read with rule number 13 of company audit and auditor rules 2014 if auditor has reason to believe that an offence of fraud which involve or is expected to involve an amount individually rupees 1 crore or above is being or has been committed against the company by its officer or employees he shall report the matter to the central government in addition कारो के पैरा नंबर थ्री क्लास इलेवन में भी ऑडिटर की एक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है एंड दैट रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट इज ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट वेदर एनी फ्रॉड बाय द नोटिस्ड और रिपोर्टेड ड्यूरिंग यस नेचर एंड अमाउंट इन इज टू बी इंडिकेटेड और यदि कोई फ्रॉड नहीं है

हम फ्रॉड की अंडरस्टैंडिंग भी लेंगे और इसके हमारे कंपोनेंट प्राइमेली क्या क्या रहते हैं इंक्वायरी इंस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन एनालिटिकल प्रोसीजर तो यहां पर भी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू फ्रॉड क्या है वेल परफॉर्मिंग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड रिलेटेड एक्टिविटी ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द प्रोसीजर सो एज टू ऑबेन द इंफॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई

तो वो एक अंडरस्टैंडिंग लेगा कैसे टीसी मैनेजमेंट के प्रोसेसेस को ओवरसाइट करती है लुक आफ्टर करती है मैनेजमेंट के प्रोसेसेस कौन से टू आइडेंटिफाई एंड रिस्पॉन्डिंग टू रिस्क ऑफ फ्रॉड इवेल्युएशन ऑफ अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप दैट इज बीन आइडेंटिफाइड इन परफॉर्मिंग द एनालिटिकल प्रोसीजर इंडिकेट रिस्क ऑफ मेटीरियल स्टेटमेंट डू टू फ्रॉड तो यदिजर सो ऑडिटर इज रिक्वायर टू कंडक्ट द इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट एंड इन दी ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दल प्रोसीजर सो एज टू आइडेंटि क्या कोई यूजुअल अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है इफ येन हीट रिस्क ऑफ मेटीरियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉडुएट वेदर द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम रिलेटेड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज परफॉर्म इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ वन और मोर फ्रॉड रिस्क फैक्ट और बड़े सारे फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स हमने थोड़ी देर पहले ही अभी डिस्कस अब ऑडिटर ने क्या किया आरएपी परफॉर्म कर लिया मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर ली अदर से इंक्वायरी कर ली टीसीडब्ल्यूजी कैसे मैनेजमेंट के प्रोसेसेस को ओवरसाइट करता है उसकी अंडरस्टैंडिंग ले ली अनयूजुअल अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप जो एनालिटिकल प्रोसीजर से आइडेंटिफाई हुए थे उनको इवालुएट कर लिया बेस्ड ऑन दिस ऑडिटर Identified whether risk of material misstatement due to fraud exist karta hai if it exists, then auditor assess how much it is zyada hai kam hai kis area mein kitna hai to based upon the risk that is been identified and assessed by the auditor now auditor is required to perform now auditor is required to design and perform appropriate procedures तो अब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स की बात आ गई तो उनको क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिस एफ ए पी भी बोलते हैं ऐसे तीन सौ तीस इसकी डिटेल कवर करता है प्रॉड के रिलेशन में रिस्पॉन्स की बात ऐसे टू हंड्रेड फोर्टी ने कर रखी है ओवरऑल रिस्पॉन्स एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल ऑडिटर शेल असाइन एंड सुपरवाइज द पर्सोनल एज पर देयर कैपेबिलिटी इवेल्युएट whether the accounting policies indicate fraud financial reporting due to management efforts to manage the earnings incorporate surprise element in the selection of nature timing extent of audit procedures so overall responses may assignment and supervision of the personnel evaluation of accounting policies incorporating the surprise element in the audit procedure रिस्पांसिस रिलेटेड टू रिस्क रिलेटेड टू मैनेजमेंट ओवर राइड ऑफ कंट्रोल इफ द ऑडिटर इज ऑफ द ओपिनियन दैट मैनेजमेंट इज ओवर राइडिंग द कंट्रोल्स मैनेजमेंट कंट्रोल्स को ओवर राइड कर रही है इन दैट केस फिर ऑडिटर के उनके ऊपर क्या रिस्पॉन्स होंगे मैनेजमेंट इज इन यूनिक पोजिशन टू परपेट्रेट द फ्रॉड बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू मैनिपुलेट द द अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंट्रोल तो मैनेजमेंट यदि अपनी इस पोजिशन का इस्तेमाल कर रही है फ्रॉड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के कारण दिस इज अग्निफिकेंट रिस्क ड्यू टू फ्रॉड एंड हेंस ऑडिटर नीड टू परफॉर्म एक्स्ट्रा ऑडिट प्रोसीजर डिपेंडिंग अपॉन द जमेंट अपने controls को override कर रही है, तो इट इज ए सीग्निफिकेंट रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एनहेंस ऑडिटर नीड टू टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन टू परफॉर्म एक्स्ट्रा प्रोसीजर दैट आर Responsive to such risk. Designing and performing audit procedures. Auditor should test the appropriateness of journal entries recorded in journal ledger and other adjustments made in preparation of financial statement. So, a procedure to test the appropriateness of journal entries, review the accounting estimates for biasness, and evaluate. Whether the circumstances producing bias, if any, represent a risk due to fraud. For significant transaction outside the normal course of business or those transaction that otherwise appears to be unusual. Evaluate whether business rationale suggests that these transactions are being entered into so as to engage in fraud financial reporting or misappropriation of assets so auditor is required to test the appropriateness of journal entries recorded in the journal ledger number though auditor is required to review the accounting estimates for the business

जब ऑडिटर ने अपने प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लिए उसने आर परफॉर्म कर लिया आर के बाद एफ परफॉर्म कर लिया एंड देन ऑडिटर इज ऑफ द ओपिनियन दैट आई एम नॉट बीन एबल टू कंप्लीट दिस एंगेजमेंट मैं इस एंगेजमेंट को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा क्यों फ्रॉड है सिग्निफिकेंट एम नॉट बीन एबल टू कंक्लूड तो क्या करें अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इफ इट इज कंक्लूडेड दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू कॉन्टिन्यू परफॉर्मिंग ऑडिट एज अ रिजल्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड और सस्पेक्टेड फ्रॉड ऑडिटर क्या करें कंसिडर प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूडिंग वेदर देयर इज ए रिक्वायरमेंट फॉर हिम टू रिपोर्ट द सिचुएशन टू द पर्सन हू मेड द अपॉइंटमेंट और टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज सबसे पहले कंसीडर प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेदर देयर इज ए रिक्वायरमेंट फॉर हिम टू रिपोर्ट टू द पर्सन हू मेड ऑडिट अपॉइंटमेंट एंड इन सम केसेस टू द रेगुलेटरी अथॉरिटीज कंसिडर पॉसिबिलिटी ऑफ विड्रॉल फ्रॉम द एंगेजमेंट कुछ सिचुएशन में आप विदड्रॉ नहीं कर सकते वह मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया हुआ है रेगुलर क्लासेस के दौरान जो सेबी की का सर्कुलर डिस्कस किया था सो so, डिटर्मिन वेदर इट इज पॉसिबल टू विद्रॉ एंड इफ इट इज पॉसिबल एंड ऑडिटर विदड्रॉ करता है ऑडिटर शुड डिस्कस विद्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट एन टीसी डब्ल्यू जी विद्रॉल एंड द रीजन फॉर द विड्रॉल एंड कंसीडर अगेन वेदर देयर इज ए प्रोफेशनल एंड लीगल रिक्वायरमेंट टू रिपोर्ट टू पर्सन हु मेड द अपॉइंटमेंट और टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज विड्रॉल एंड द रीजन फॉर द विड्रॉल सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी सिंपल टॉपिक वट शुड बी दिटर कोर्स ऑफ एक्शन इफ यू कंक्लूड दैट ही विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट दिस एंगेजमेंट ड्यू टू फ्रॉड लास्ट एक थियोरेटिकल टॉपिक और आता है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन का auditor should obtain written representations from the management and where applicable tcwg that management and tcwg acknowledge their responsibilities as to design implementation and maintenance of the internal control so as to prevent and detect the fraud obtain a representation from the management and tcwg that they have disclosed to the fraud result of management assessment of fraud that financial statement may be materially misstated due to fraud they have disclosed to the auditor their knowledge of fraud or suspected fraud affecting the entity involving management employees having significant roles in internal controls they have disclosed to the auditor knowledge of any allegation of fraud or suspected fraud that is affecting the entity financial statement कम्युनिकेटेड बाई एम्प्लॉयज फॉर्मर एम्प्लॉय एनालिस्ट रेगुलेटर और अदर्स सो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एक बात मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यू जी की जिम्मेदारी एज टू द डिजाइनिंग इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल टू प्रिवेंट डिटेक्ट द फ्रॉड नंबर दो डिस्कलोजर टू द ऑडिटर क्या रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ रिस्क दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे बी मिस मिसस्टेटेड एज ए रिजल्ट ऑफ फ्रॉड

सबसे बड़ा स्टैंडर्ड इस चैप्टर का दैट इज एस ए टू हंड्रेड फोर्टी नौ मूविंग अहेड नेक्स्ट स्टैंडर्ड अगेन एक सिंपल स्टैंडर्ड है दैट इज कंसीडरेशन ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चलिए नेक्स्ट स्टैंडर्ड दैट दू हंड्रेड फिफ्टी कंसिडरेशन ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ एंड रेगुलेशन की कंप्लायंस की किसकी आती है मैनेजमेंट की तो सबसे पहले हम इसमें मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं कंप्लायंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन इज द ड्यूटी ऑफ Management and TCWG, and that duty may be performed by the management and TCWG through monitoring the legal requirement and ensuring that operating procedures are designed so as to meet these requirements, instituting and operating appropriate systems of internal control. Third one, developing publicizing following a code of conduct ensure employees are properly trained and understand the code of conduct monitor compliance with the code of conduct and take action to discipline the employees who fails to comply with the code of conduct wherever required engage the legal advisors to assist in monitoring the legal requirements अ रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट लॉ एंड रेगुलेशन विद विच एंटिटी है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एंश्योरिंग द कंप्लायसेशन इज द ड्यूटी ऑफ मैनेजमेंट एन टी सी डब्ल्यू जी फॉर दैट परपज दे नीड टू मोनिटर लीगल रिक्वायरमेंट एंड एंश्योरिंग दैट operating procedures are designed to meet those requirements institute and operate appropriate systems of internal control develop publicize follow code of conduct ensure employees are properly trained and understand the code of conduct monitor कोड ऑफ कंडक्ट एंड टेक एक्शन टू डिस इन मॉनिटरिंग द लीगल रिक्वायरमेंट में रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट लॉ एंड रेगुलेशन विद विच एंटिटी हैज टू कंप्लाई विद ये तो बात हुई मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज की ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑडिटर के रेफरेंस में हम सारे लॉ को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं दोज लॉ दैट आर हैविंग अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द कंप्लायंस डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दूसरे जिनका डायरेक्ट इंपैक्ट तो नहीं है जो डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अमाउंट एंड डिस्कलोजर को फाइंड आउट तो नहीं करा पा रहे बट दे आर फंडामेंटल टू द ऑपरेटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस बट इससे पहले कि हम ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन रिलेशन टू दीज लॉ एंड रेगुलेशन की डिटेल में जाए एक छोटा सा टॉपिक आता है एंड दैट इज एन इंपॉर्टेंट वन दैट इज पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन ऑन ऑडिटर्स एबिलिटी टू डिटेक्ट मटेरियल मिस स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन So, in context of law and regulation, potential effect of inherent limitations on auditor's ability to detect material misstatement is greater. Kin karno se number one, many law and regulation they relate principle to, principally to operating aspect. They do not affect the financial statement and hence. इनकी नॉन कंप्लायंसेस दे आर नॉट बीन कैप्चर्ड बाय द एंटिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम रिलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नॉन कंप्लायंस मे आल्सो इन्वॉल्व द कंडक्ट डिजाइन टू कंसील इट छुपाने की कोशिश भी होगी क्योंकि नॉन कंप्लायंस कर रहे हो मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो सकती है मैनेजमेंट खुद इन्वॉल्व होगी तो उनको छुपाने की कोशिश भी होगी थ्रू द कोलजन फॉर्जरी मैनेजमेंट ओवर राइड्रोल इंटेंशनल मिसरीप्रेजेंटेशन मेड टू ऑडिटर एंड लास्ट वेदर एक कैटेगरी में आती है या नहीं आती है दैट इज ए मैटर सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन बाई कोर्ट ऑफ लॉ लॉ एंड रेगुलेशन की नॉन कंप्लायस का फैसला तो मैं या आप नहीं कर सकते यदि कहीं पर हमारी ओपिनियन डिफर करती है

अब बात करते हैं उन्हीं चीजों की ऑडिटर की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है टू ऑपटेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल ओवर द एंटिटी एंड हाउ द एंटिटी इज कंप्लाइड विद दैट फ्रेमवर्क ये तो हो गया बेसिकली उसका आर देन इन रिलेशन टू लॉ एंड रेगुलेशन हैविंग डायरेक्ट इफेक्ट On a determination of material amount and disclosures in the financial statement, auditor is required to obtain sufficient appropriate audit evidence so as to ensure that these law and regulations are being complied with. However, in a relation to law and regulation that do not affect the amount and disclosures in the financial statement, but compliance with which may be fundamental to the operating aspects of the entity business auditor is required to perform limited procedure like they need to inquire with management and tcwg they need to inspect the correspondence with the relevant licensing or regulatory authority so as to identify instances of non compliance

टेशन दैट ऑल इंस्टांसिस ऑफ नॉन कंप्लायसेज और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायसेज दैट आर इन द नॉलेज ऑफ द मैनेजमेंट एंड टी सी डब्ल्यू जी हैव बीन डिस्कलोज टू ऑडिट

यदि कोई भी नॉन कंप्लायंस आइडेंटिफाइड होता है या सस्पेक्टेड होता है ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू ऑप्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ द एक्ट एंड द सर्कमस्टांसिस इन विच सच नॉन कंप्लायंस अक्कर इस नॉन कंप्लायंस का पॉसिबल इफेक्ट क्या पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर कौन सी फाइनेंशियल आइटम्स एंड डिस्क्लोजर्स इस नॉन कंप्लायंसिस से अफेक्ट हो रही है आइडेंटिफाई देम इवेलुएट देम discuss the matter with the management and TCWG and obtain the necessary information from the management. but if management does not provide the necessary information auditor need to consider whether there is a need to obtain legal advice in this matter and next one uh, in case auditor fails to collect sufficient appropriate audit evidence evaluate what will be the what will be its impact on auditors opinion. ऑडिटर की ओपिनियन पर इसका क्या इंपैक्ट होगा एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट नेक्स्ट रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू टीसीडब्ल्यूजी। जी डब्ल्यू जी को बताना है आपने मैटर्स इन्वॉल्विंग नॉन कंप्लायंस टीसीडब्ल्यूजी जी भी इन्वॉल्व है देन कम्युनिकेट टू हायर अथॉरिटीज इफ एनी

Auditor is not able to conclude the possible effect of non compliance on the financial statements due to limitations, and that limitations may be imposed by management or may be imposed by circumstances. If the limitation is imposed by the management, auditor is required to issue either qualified or disclaimer depending upon the pervasiveness of the matter on which information is not been obtained. However, द लिमिटेशन इज ड्यू टू द मैनेजमेंट का कोई फॉल्ट नहीं है ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कंसीडर द इफेक्ट ऑन ऑडिट ओपिनियन बेस्ड अपॉन द सर्कमस्टांसिस क्या ऑडिटर को ये इंफॉर्मेशन रेगुलेटरी एंड एन्फोर्समेंट अथॉरिटीज को भी बतानी है यस कब इफ रिक्वायर्ड बाई लॉ इफ रिक्वायर्ड बाय फिर आता है इसका लास्ट एक थियोरेटिकल टॉपिक वैसे तो स्टडी मटेरियल में नहीं कवर है ये टॉपिक अब क्वेश्चन आंसर्स में कवरेज हो सकती है इसकी पर व्हाट आर द इंडिकेटर्स दैट नीड्स टू बी कंसीडर्ड बाय द ऑडिटर विच इंडिकेट देर माइट बी देर माइट बी नॉन कंप्लायंस ऑफ एनी लॉ और रेगुलेशन इन्वेस्टिगेशन बाई रेगुलेटरी बॉडीज payment of fine or penalties payment for unspecified services to consultants related parties excessive sales commission purchasing at price significantly above or lower than market price unusual payments in cash unusual payments towards legal and retainership fees payment

आइडिया लगता है दैट देयर माइट बी देयर माइट बी नॉन कंप्लायस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन तो ये उसके कुछ इंडिकेशन हैं उसके कुछ एग्जांपल्स हैं सो दिस इज ऑल अबाउट एस ए टू हंड्रेड फिफ्टी एक छोटा सा स्टैंडर्ड था एज टू लॉ एंड रेगुलेशंस कंसीडरेशन वाइल कैरिंग आउट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेट management key responsibility auditors key responsibility what are the auditors procedure in case any non-compliance is identified potential effect on auditors in a potential effect of inherent limitations on auditors ability on auditors ability to detect material misstatement in context of law and regulation and indications to be considered by audit सो so, इस सेशन के लिए इतना ही इस चैप्टर में तीन स्टैंडर्ड अभी और हैं उनको हम नेक्स्ट रिवीजन सेशन में कवर अप करेंगे इस सेशन के लिए इतना ही थैंक यू वेरी मच क्वेश्चन आंसर से क्वेश्चन की प्रैक्टिस साथ साथ जरूर कर लीजिएगा गुड बाय